तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ऋषियों की यह जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को ही हम अपने लिए प्रार्थ्य बनाएं, और ये जो हमारे लिए प्रार्थनीय तत्व है उसको पाने के लिए हमारी बुद्धि वृत्तियों को वह जो तेज है, बाहर का प्रकाश जो हमें सूर्य से मिल रहा है, प्रकाश ही हमारे जीवन का धारक तत्व है, प्रकाश ही जीवन का चालक तत्व है, और प्रकाश ही अपने आप में जीवन है। चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान के प्रकाश में आप सूरज के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुओं को आप देख सकते हैं। देखना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। सुनना, आप शब्द सुनते हैं, शब्द को आपकी श्रोत्रेंद्रिय ने विषय किया, लेकिन शब्द के अर्थ को समझना ज्ञान शक्ति के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए बाह्य प्रकाश और आंतरिक प्रकाश दोनों का सूचन यहाँ पर सविता के तेज में है। उस तेज को हम आत्मसात करें, उसी बात को अपने प्रकारांतर से रूपांतरित करते हुए यहाँ पर सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ लौकिक हमारे जगत में जो उपलब्ध गायत्री मंत्र है, वस्तुतः गायत्री मंत्र गायत्री छंद में होने के साथ भी देखा जाता है। वैदिक संदर्भ में, वैदिक विचारणा के व्याख्यान में, इसी के साथ गायत्री छंद इतना महत्वपूर्ण है कि वह अपनी महत्ता में एक आकृति के साथ भी देखा जाता है, और आकृति के साथ देखे जाने के साथ ही वह ध्येय बन गया, ध्यान का, उपासना का विषय बन गया। इस प्रकार गायत्री तीन काल की संध्याओं में उपास्य देवी के रूप में भी देवी भागवत में बताया गया। तो कैसे करें? आखिर में यहाँ पर कहा है दीक्षा, दीक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। दीक्षा दिए जाने के साथ, जब भी आपको कुछ दिया जाता है तो आपके अंदर वह क्षय करता है। जब भी कुछ दिया जाता है, दीयते, और इसी के साथ अस्मात् अतः क्षीयते इति दीक्षा, जब भी कुछ आपको दिया जाए तो आपके अंदर क्षय करेगा या वृद्धि करेगा। आपको बड़े मीठे शब्द से बुलाया जाए तो आप परेशान हो तो परेशानी को क्षय कर देगा। आपकी मेरे प्रति कोई सद्भावना है तो आपकी और सद्भावना बढ़ जाएगी। किसी को भी अच्छी चीज दो तो उसी के साथ उससे उसको लाभ होता है। दीक्षा से क्या लाभ होता है? जो लाभ होने योग्य है, दीक्षा शब्द ज्ञानात्मक अनुदान के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञानात्मक अनुदान में जो दीक्षा देता है वह अपनी महत्ता में गौरवपूर्ण होता है, इसलिए वह गुरु है, और इतना वह करुणापूर्ण है, इतना वह शुभ चिंतक है कि वह आपके प्रति
शुभ संकल्प करता है, आपके अंदर जो कुछ भी शुभ है वह उद्घाटित हो और जो कुछ भी आपके लिए प्राप्य है वह इससे प्राप्त हो, इस संकल्प के साथ वह गुरु आपके अंदर बैठा हुआ जो दोष है, दूषण है, उसका क्षय हो जाए, ये भी संकल्प करता है। इस संकल्प के साथ जो दीक्षा का मंत्र है वह आपके जीवन में बहुत बड़ा एक क्रांतिपूर्ण परिवर्तन लाता है। आपकी अनियंत्रित जो दुविधा की वृत्ति, उसमें भी एक विराम आ जाता है, मन में समाधान पैदा हो जाता है, निश्चय हो जाता है। इसलिए कहा, निश्चय और विश्वास के साथ जब दीक्षा लेने के बाद साधक साधना में जुटता है तो उसकी निश्चित ही प्रगति है, श्रद्धा और विश्वास के साथ। अगर वो नहीं भी कुछ कर पाता तो भी ध्यान देना, दीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, दीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दीक्षा के साथ एक दिव्य संबंध का साक्षी है, दिव्य संबंध में साक्षी होता है मंत्र देव, मंत्र देव, मंत्र देव जब सद्भाव के साक्षी होते हैं तो जब तक सत्य की उत्पत्ति नहीं होती तब तक मंत्र देव चालित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। यह है दीक्षा का महत्व। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत को मैं, जो महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा महाशक्ति है, हम उसको वंदना ही कर सकते हैं और वंदना करने के साथ साथ वह हमारी चित्त वृत्ति में सद्भाव का विस्तार करती रहे, हमारे अंदर श्रद्धा तत्व कभी खंडित ना हो जाए, क्यों वह श्रद्धा रूपा भी है। आपने सुना है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे आपके अंदर श्रद्धा रूप से वह है, इसलिए हम श्रद्धा के साथ सतर्क रहें, हमारी श्रद्धा कम न हो जाए। श्रद्धा जिस भाव के साथ बढ़ती है वह बढ़ती रहे, और श्रद्धा पूर्णता पाती है विश्वास के साथ। लेकिन एक बात जरूर है, भ्रांति भी उसका ही रूप है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भ्रांति अगर न हो तो ये जगत अपने आप में जिया नहीं जा सकेगा। आप कहें ये कैसे, हम सब वेदांत की भूमि में भ्रांति शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। इसका मतलब भ्रांति हमारे व्यवहारिक जीवन में आती है। भ्रांति अहम के तल पर, ईश्वर के तल पर, पदार्थों के तल पर सब जगह आती है। मृषा शब्द भी अपने आप में चल रहा है, झूठ भी कभी कभी सत्य करके दिखता है। आप कहें ये कैसे, सूरज को आप देख रहे हैं
सूरज को जिस परिमाण में देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि सूरज उतना ही बड़ा है? सूरज पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन जब आप कहते हैं सूरज का दर्शन मैंने कर लिया, तो क्या ये सत्य दर्शन है? ये भी सत्य दर्शन तो नहीं है। अन्यथा दर्शन होकर के भी आप उसको सत्य मान करके ही चल रहे हैं। अपने मैं के तल पर भी तो भ्रांति होती है। जब देह के साथ ही अपने आप को आप सत्य मानने लगते हैं, जब वेदांत विज्ञान से आपको अपने स्वरूप का परिचय कराया जाता है, आप अपने आप को देह से पृथक, देहाध्यास टूटा, शब्दों के द्वारा व्यवहार में टूट जाए देहाध्यास, इसकी जरूरत है, लेकिन शब्द के द्वारा जब उपदेश काल में आप अपने आप को देह से अलग करके देखते हैं, तब आप देह से अलग हैं, पर भ्रांति फिर आ जाएगी। उपदेश हो गया, आपने कहा बहुत अच्छा उपदेश हुआ, चलो हम इस उपदेश और कथा में शामिल हुए, एक संस्मरण बनी रहे ये कथा, और संस्मरण बना रहे हम लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना, इसका चित्र ले लिया जाए। चित्र तो जब चित्र लिया जाएगा, तो ग्रुप चित्र है। चित्र में आप सबसे पहले किसको देखोगे? स्वयं को देखोगे ना। जब चित्र में आप अपने को देख रहे हो, तो क्या ये आपका स्वरूप है? वेदांत के संदर्भ में आपने अपने स्वरूप को जाना था सच्चिदानंद के रूप में, देहाध्यास से अलग करके उपदेश काल में देहाध्यास से आपने अपने आप को अलग करके देखा, वो सत्य, परम सत्य। लेकिन जब चित्र में देख रहे हैं, तो फिर आप देह के अध्यास में आ गए, देह के परिचय के साथ में आ गए। सच तो यह है, आप कहते हैं ना हम देहा, वर्णा न वर्णा श्रमचार धर्मा, नमे धारणा ध्यान योगा दयोपी, तदेको वशिष्ठा शिवा केवलो हम। ये जो शिवा केवलो हम, ये जिस समय मैं बोल रहा हूं, बोलने के साथ साथ कुछ समय तक स्थिति बनी रहे, तभी तक ये सत्य है। लेकिन इस सत्य को खंडित कौन कर देता है? अज्ञानात्मक प्रभाव। इस अज्ञानात्मक प्रभाव को ही कहा है, फिर से वह भ्रांति पैदा कर देती है असत के प्रति, मिथ्या के प्रति। मिथ्या है तभी तो उसको मिथ्या कहेंगे, लेकिन मिथ्या को हम मिथ्या कहाँ देख रहे हैं? मिथ्या देख नहीं रहे हैं, इसलिए मिथ्या दिखाने के लिए कहा जाता है कि मिथ्या है। तो आज हम श्रीमद् देवी भागवत की इस विशेष परिचर्चा में हमें ऐसा लगता है कि आज हम थोड़ी देर के लिए अपने हमारे सभी आत्मीय वरिष्ठ पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शिव चैतन्य जी महाराज, हमारे परम आत्मीय श्रद्धेय स्वामी महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज मंडलेश्वर, और ये सभी संतजन आज उस महाशक्ति को, जिस शक्ति के संदर्भ में कुछ कहना शुरू किया था, हम इतना ही कहेंगे, तुम्हारी महिमा का गुणगान हम करते करते भी कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारी महिमा का गुणगान करने की मेरी ये चाह बनी रहे, और तुम्हारी महिमा का प्रतिपल
मेरी बुद्धि वृत्ति दर्शन करती रहे और तुम्हारी उस महिमा की भूमि में तुम्हारी कृपा का मुझे आभास मिलता रहे, इसी में मैं मानता हूँ। देखो, उसकी कृपा होगी तो वह जीवन में चलते हुए, बैठते हुए, खड़े रहते हुए अपना आभास देगी, और जब हम सोए हुए हैं, सोना हमारे हाथ में नहीं है, न हम सोने से अपने आप को रोक सकते हैं, और सोना अगर हम परम सौभाग्यशाली कहे जाएंगे, उसकी कृपा हमें सोने में भी इष्ट देव का दर्शन कराती रहे। इष्ट देव के दर्शन के साथ साथ अगर स्वप्न में भी थोड़ी उसकी महिमा की झलक मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उसकी कृपा होगी। हमारे चेतन काल, सचेतन मन में और अचेतन मन में माँ तुम्हारी कृपा रहे, हम आपके इस चिन्मय रूप को अपने आत्मभाव में प्रतिपल दर्शन करते रहें। इसी सद्भावना के साथ मैं देवी भागवत कथा को यहाँ विराम देता हूँ। नारायणी नमोस्तुते।